हेलो दोस्तों, हाउस प्लानेट टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों लेकर आया हूँ, अगर बात करते हैं उस मकान की साइज की, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास मकान की चौड़ाई है वो हमारे पास है कि 25 फिट, और जो हमारी मकान की लंबाई है यहाँ पीछे से लेके यहाँ सामने तक वो हमारे पास है कि 50 फिट है। तो 25 × 50 हमारे पास टोटल मकान का एरिया हो जाएगा और इस मकान के चारों तरफ इनकी खुद की प्रॉपर्टी रहेगी। तो चलिए इसकी सामने से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर इसका फ्रंट देखते हैं तो हम कुछ इस टाइप से हमें इसका फ्रंट नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास है कि पार्किंग, जो कि हमारे पास है 10 फिट बाई 15 फिट, ठीक है। तो यहाँ पर आराम से हमारी कार पार्क हो जाएगी और यहाँ 25 फिट के अलावा यहाँ पर 5 फिट का पार्किंग अलग से बाहर की तरफ निकाल रखा है। पार्किंग इस तरह बात है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 5 फिट चौड़ाई के अंदर यहाँ पर हमारे पास ये पूरा पोर्च रहेगा और कुछ इस टाइप से हमने यहाँ पर पोर्च के अंदर डिजाइन हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर हम जैसे 2-3 स्टेयर अप करेंगे तो इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है स्टेयर, यहाँ से अप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे और 3.5 फिट बाई 7 फिट हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग रहेगा। पोर्च के सीधे आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है फिर घर का मेन डोर 4 फिट का। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं लिविंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज रहने वाली है 12 फिट 9 इंच बाई 16 फिट 6 इंच। 12 फिट 9 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा और 16 फिट 6 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा लिविंग एरिया है। तो यहाँ पर हमारे मेहमानों के बैठने के लिए यू टाइप के अंदर काफ़ी बड़े सोफे लग जाएंगे और इस लिविंग एरिया की 2 4-4 फिट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। अब लिविंग एरिया की इस तरफ आते हैं, सीधा आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2.5 फिट का दरवाजा, ये हमारा रहेगा कॉमन टॉयलेट, जिसकी हमारे पास आई है 6 फिट बाई 8 फिट 3 इंच। इस कॉमन टॉयलेट का 2 फिट का वेंटिलेशन यहाँ पर निकल रहा है। कॉमन टॉयलेट से बाहर आते हैं, इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास है डाइनिंग एरिया, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फिट बाई 10 फिट 9 इंच, जिसकी 4 फिट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। तो यहाँ पर हमारी डाइनिंग टेबल लग जाएगी। डाइनिंग एरिया किस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास है ओपन किचन, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फिट बाई 10 फिट, 10 बाई 10 का ये हमारा ओपन किचन रहेगा, जिसकी 1 3 फिट की विंडो सामने पार्किंग की तरफ और 1 4 फिट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। जो किचन है वो हमारे पास ओपन रहेगा, डाइनिंग एरिया की तरफ भी है और लिविंग एरिया की तरफ भी है। मतलब कि किचन है जो बीच के अंदर हमने कॉमन टाइप से हमने दे रखा है, ताकि दोनों की तरफ जाना हो तो आसानी रहे। किचन से बाहर आते हो डाइनिंग एरिया और फिर इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए 3.5 फिट का दरवाजा और ये हमारा आ रहा घर का फर्स्ट बेडरूम, जिसकी हमारे पास साइज रहेगी 10 फिट बाई 12 फिट 9 इंच, जिसकी 4 फिट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। और इस बेडरूम के अटैच के अंदर यहाँ पर देखिए 2.5 फिट का दरवाजा, अटैच टॉयलेट है, जिसकी हमारे पास साइज है 6 फिट बाई 6 फिट, जिसका 2 फिट का वेंटिलेशन पीछे निकल रहा है। इस बेडरूम से बाहर आते थे यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके जस्ट पास में 3.5 फिट का दरवाजा और ये हमारा घर का दूसरा बेडरूम है, जिसकी भी हमारे पास साइज है 10 फिट बाई 12 फिट, जिसकी 1 4 फिट की विंडो यहाँ पर और 1 4 फिट की विंडो पीछे निकल रही है। और इस बेडरूम के अटैच के अंदर भी 2.5 फिट का दरवाजा, अटैच टॉयलेट है, जिसकी हमारे पास साइज है 6 फिट बाई 6 फिट 3 इंच, जिसका 2 फिट का वेंटिलेशन पीछे निकल रहा है। तो चलिए एक बार मैं आपको उसको एक साथ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 25 फिट हमारे पास मकान की चौड़ाई रहेगी और 50 फिट हमारे पास मकान की लंबाई रहेगी। यहाँ सामने की तरफ हमारे पास रहेगा पार्किंग, यहाँ पर हमारे पास है पोर्च और स्टेयर है, जो कि घर के बाहर की तरफ हमने दे रखे हैं। ये रहेगा हमारा घर का मेन डोर और मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो हम एंटर होते हैं लिविंग एरिया के अंदर। इसके आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है कॉमन टॉयलेट और ये हमारे पास है यहाँ पर डाइनिंग एरिया, ये हमारे पास है ओपन किचन। पीछे की साइड चलते हैं तो ये हमारा घर का फर्स्ट बेडरूम, इसका ये अटैच टॉयलेट, ये हमारा घर का सेकंड बेडरूम और इसका ये अटैच टॉयलेट। तो चलिए एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन आ रहा है उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस डिज़ाइन को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज इस डिज़ाइन का इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।